टीवी जगत के फेमस सितारे सुरभि चांदना और धीरज धूपर के हिट शो शेर दिल शेर गिल में अपनी एक्टिंग से जनता का दिल जीत रहे थे। शो में सुरभि ने एक सिंगल मदर का किरदार निभाया था जो यंग है, महत्वाकांक्षी है और अपना नाम बनाना चाहती है। वो अपने बेटे अनमोल शेरगिल की सिंगल मदर है जिसे उन्होंने IVF तकनीक के जरिए पाला था। दूसरी ओर इस शो में धीरज राज कई भूमिका निभा रहे हैं जो हर समय चंचल और फनी बना रहता है। उनके किरदारों को और शो को फैंस का भरपूर प्यार मिला। हालांकि 4 महीने तक जनता का मनोरंजन करने के बाद शेर दिल शेर गिल शो जल्द ही जनता को अलविदा कह देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सुरभि चांदना और धीरज धूपर स्टारर ये शो 10 फरवरी को ऑफेयर हो जाएगा। जैसा कि शो जल्दी खत्म होने वाला है, सुरभि चांदना ने ई टाइम्स को अपनी इस जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शो में उनका रोल शानदार रहा और मेकर्स ने कई नई चीज़ों को आजमाया जो छोटे पर्दे के लिए नई थी। इसके बारे में बताते हुए शेर दिल शेर गिल एक्ट्रेस ने कहा कि ये एक सीमित शो था और रेटिंग को लेकर चैनल की ओर से कोई दबाव नहीं था। अपने किरदार मनमीत पर सुरभि ने शेयर किया कि कैसे वे उस किरदार को आज की महिला के रूप में दिखाना चाहती है जो IVF प्रक्रिया से मां बनती है और फिर अपने ही ऑफिस के कैनी से प्यार में पड़ जाती है। सुरभि चांदना ने ये भी शेयर किया है कि ऑडियंस राज और मनमीत के ऑफिस में होने वाले मजाक और उनके रोमांस से खुश थे। हालांकि अभिनेत्री को लगता है कि शादी का ट्रैक जल्दी आ गया और ये दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया। सुरभि ने कहा कि फैंस और ज़्यादा रोमांस देखना चाहते थे, लेकिन शो में राज और मनमीत की शादी का ट्रैक अचानक आने से लोगों को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि ये एक सीमित शो था, इसलिए निर्माताओं ने किसी भी ट्रैक को नहीं खींचने का संकल्प लिया था और इसी वजह से ये शो सिर्फ 4 महीने में ही ख़त्म हो गया। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।